हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानेंगे जो रिसीवर होते हैं, जो सिविल प्रक्रिया संहिता में आर्डर नंबर 40 में जो रिसीवर के बारे में बताया गया है कि रिसीवर किसी मान लीजिए प्रॉपर्टी के लेके विवाद हो रहा है या किसी चीज़ को लेके विवाद हो गया, अब उसका मिसयूज हो रहा है या उसको जो है कोई बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच जाएगा, तो इन दशाओं में जो है कोर्ट जैसा उचित समझती है। वैसे रिसीवर जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं होता है, लेकिन अगर कोर्ट में जस्ट कोर्ट जैसे उचित समझे यदि कोई रिसीवर अपॉइंटमेंट कर दे तो उसको जो है उसकी लायबिलिटी ये होती है कि उसकी देखभाल करे और उसका प्रोटेक्शन करे और उसका जो है जब उसके जिसके पक्ष में डिक्री आ जाती है उसको जो है वापस कर दिया जाए। मान लीजिए कोई फ्रॉड करने लगता है रिसीवर तो उसकी प्रॉपर्टी जो है जो अटैच कर दिया जाता है, जो रूल नंबर 4 में बताया गया है कि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके उसको बेच कर जो है उसकी भरपाई की जाती है। दोस्तों हम एक एग्जांपल के तौर पर समझेंगे कि रिसीवर किन दशाओं में अपॉइंटमेंट किया जाता है बाय कोर्ट के द्वारा। जैसे कोई मान लीजिए कोई होटल है, अब होटल में दो साझेदार हैं, एक साझेदार जो है पैसा लगा दिया और दूसरा साझेदार जो है उसकी देखभाल कर रहा है, वो थोड़ा सा कम लगाया लेकिन वो देखभाल कर रहा है, लेकिन उसमें जो है फ्रॉड कर रहा है। अब मिली जुली भगत है, मान लीजिए कोई मैनेजर से मिलके अपना जो है जो प्रॉफिट आ रहा, मान लीजिए 10,000 का चल रहा है तो बता रहा 5,000। अब कंफर्म है कि उसमें विवाद पक्का है, तो जब विवाद होता है तो उस दशाओं में जो जो पैसे ज़्यादा लगा रहा है तो वो कोर्ट पहुँच जाएगा, कहेगा कि साहब ये जो है इसमें गड़बड़ी हो रही है और ये ज़बरदस्ती जो ये लोग पैसा ले रहे हैं। तो अब रिसीवर जो है एज ए एजेंट के रूप में जो है अपॉइंटमेंट हो जाता है, तो इस तरीके से जो है उसकी देखभाल करते हैं और जब तक वो कोई जो है फाइनल डिग्री ना आ जाए। अब वो जो है रिसीवर जो है उस प्रॉपर्टी को जो है अपने हाथ में ले लेता है, तो इस जब तक मतलब प्लेंटिफ जो होता है वो सूट फाइल किया और जब तक ना उसके पक्ष में डिग्री आती है तब तक जो है उसको देखभाल जो है एक रिसीवर के रूप में जो है कोर्ट जो नियुक्त कर देती है। इसी को जो आर्डर नंबर 40 में जो है बताया गया है कि रिसीवर कम नियुक्त किए जाएंगे, कम नहीं नियुक्त किए जाएंगे, वो एक रिसीवर जो एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, यही होता है रिसीवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग और रीडिंग।